हेलो एवरीवन एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो अपडेट के बारे में और काफ़ी सारी क्रिप्टो से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं जो जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अदा से। तो आज है डेट 22 सितंबर थर्सडे और वासिल अपग्रेड का जो एक मेजर इवेंट है जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि वासिल अपग्रेड का अदा का इवेंट है तो वो आज इम्प्लीमेंट होगा। इसके बारे में क्रिप्टोकॉइन मार्केट कैप पे ज़्यादा अपडेट नहीं अवेलेबल है, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट उन्होंने यहाँ पे आप देखिए ट्रेंडिंग इसको मार्क कर रखा है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्लस ये सिग्निफिकेंट भी है और प्लस ये हॉट टॉपिक है क्योंकि आज ही 22 तारीख है और आज ये इवेंट होने वाला है। तो चलिए पहले अदा को देख लेते हैं, INR में देख लें। ठीक है, और इस वक्त इसका करंट प्राइस चल रहा है 38 रुपीस। और वन डे का चार्ट अगर हम खोल के देखें तो यहाँ पे देखिए कि अदा जो है वो अपने एकदम बेस लेवल पे है, यानी कि जहाँ पे ये सपोर्ट उसको बार बार मिलता रहा है इस पॉइंट पे, इस वक्त अदा उसी पॉइंट पर है। ये देखिए यहाँ पे इसी पॉइंट पे है अदा इस वक्त। और यहाँ से क्योंकि इसका आज इवेंट भी है तो यहाँ से हमें एक पुल बैक दिखने को मिल सकता है अदा इवेंट में, आज नहीं तो कल नहीं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर। बट हमें किस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो प्राइस है वो क्विकली हमें 39 या 40 को क्रॉस करने को देखने को मिले। जैसे ही प्राइस 39-40 को क्रॉस कर देता है तो अपने जो पहला रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक कर देगा, यानी ये जो ब्लू लाइन है इसको ब्रेक कर देगा, जिस वजह से हम थोड़ा सा रिलीफ फील कर सकते हैं कि प्राइस ने अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे लेने का उसको ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप कोई यहाँ पे लेता है और इवेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उसका जो पैसा है वो यहाँ फंस जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इवेंट अच्छे से काम करे। चलो वो हमारे हाथ में नहीं है कि इवेंट अच्छे से काम करे, बट हमारे हाथ में ये है कि देखना कि प्राइस जो है वो 40 को क्रॉस कर जाए और फिर उसके बाद एक कैंडल बने, मतलब जो अगली कैंडल है वो 40 के ऊपर ऊपर ही बने, इस ब्लू लाइन के ऊपर बने। ठीक है, तो ये थी अदा की एक क्विक अपडेट। बाकी अगर किसी और कॉइन के बारे में आपको अपडेट चाहिए तो वो भी बता देना। अभी हम देख लेते हैं WRX की अपडेट। किसी कॉइन के बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिख के बता देना। अब यहाँ पे देखिए WRX का मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि इस वक्त इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है, 17.88। देखो यहाँ भी वन डे का चार्ट मैंने खोल लिया है और मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है वो इस ऑरेंज लाइन को ब्रेक कर जाए, हमें इस चीज़ की वेट करनी है। अब वन डे के चार्ट में जो कि आज का चार्ट है यहाँ पे इसने एट प्रेजेंट इसको ब्रेक कर दिया है, बट अब ये कैंडल पूरी तरह से फॉर्म हुई नहीं है, ये पूरी तरह से फॉर्म होगी जब आज का दिन निकल जाएगा। तो इसके हम जो 4 आवर्स का चार्ट है उसको देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया लगेगा। देखिए अभी 4 आवर्स वाले चार्ट में भी कैंडल यहाँ फॉर्म हो रही हैं और काफ़ी पतली पतली कैंडल हैं, बट पॉजिटिव साइन लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक अच्छी कैंडल देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट फिर वन डे के चार्ट में भी देखने को मिलेगा। अभी 1 आवर का देख लेते हैं। तो देखिए पतली पतली कैंडल फॉर्म हो रही हैं बट बैक टू बैक ग्रीन बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं क्योंकि कोई वीक नहीं निकल रही है, राइट, मोटी मोटी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो काफ़ी पॉजिटिविटी है WRX के अंदर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े से क्वांटिटी का WRX मैंने भी लिया है तो इसीलिए मैं आपको इसको सजेस्ट करूँगा, बट येस आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, मैं आपको कोई भी कॉइन बताऊँ या कुछ भी बताऊँ। ठीक है, ये थी WRX की अपडेट। अभी चलते हैं DYDX की अपडेट ले लेते हैं। DYDX अभी इसमें थोड़ा सा हम लंबा देखेंगे। ठीक है, इसको पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि इस
का डॉलर्स में प्राइस कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से कितना चल रहा है। अब कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से इसका प्राइस चल रहा है 1.20 डॉलर्स, ठीक है। 4.31% कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से ये डाउन चल रहा है। इथेरियम ब्लॉकचेन पे ये काम करता है, रैंक है इसकी 269 और 120,000 के आसपास लोगों की ये वॉच लिस्ट में है। अभी हम चलते हैं इसका डॉलर्स का प्राइस देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 1.199, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.199 इसका डॉलर्स में प्राइस चल रहा है ट्रेडिंग व्यू पे। अभी इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। करंट प्राइस इसका 113 रुपये चल रहा है वजीर एक्स पे। ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला है DYDX, ठीक है। इसका नाम क्या था, DYDX ही इसका नाम है। अभी चलते हैं 1 डे का चार्ट खोलते हैं, 113 रुपये पे चल रहा है अभी ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि देखिए जो प्राइस है वो एकदम एक ऐसे जोन पे है जहाँ से हमेशा इसने पुल बैक लिया है। चाहे ये पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे इसने कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया, 89% का प्रॉफिट दिया। फिर चाहे ये पॉइंट देख लीजिए, चाहे ये पॉइंट देख लो, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है 92% का एक दो हफ्ते के अंदर, और यहाँ पे तो एक ही दिन के अंदर दे दिया था। अभी चलते हैं और राइट की तरफ, यहाँ देखिए अब वापस से जो प्राइस है वो इसी पॉइंट पे आया है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली है, यानी कि हमें यहाँ पे भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है क्योंकि उसका जो RSI है, अब RSI की तरफ नज़र डालें, RSI जो है एकदम अपने ओवरसोल्ड जोन से भी नीचे आ गया है। यहाँ देख रहे हैं आप, अगर नहीं दिख रहा है तो मार्क कर देता हूँ, ये देखिए जिसकी ओवरसोल्ड जोन है तो यहाँ से भी नीचे आ गया है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे अपने जो सपोर्ट जोन इसका पास्ट में भी रहा है काफ़ी अच्छा, वहाँ पे आ गया है। तो यानी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें DYDX में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिले, और वो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है वो हम मानेंगे 134 पे लगाएंगे, और अगर सेफ चलना है तो 130 रुपये पे इसको हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अब जो पुल बैक लेगा मोस्ट प्रोबेबली ये लेगा 130 रुपये तक इसका जाना बनता है। पास्ट ट्रेंड को देखें, इंडिकेटर्स को देखें, सब चीज़ को देखें, तो भी अगर 113 रुपये पे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मोटा मोटा, आप अपने हिसाब से अपने फंड्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेना कि 10,000 रुपये पे अगर कोई 113 रुपये पे इसको लेता है तो 88.49 ऑफ DYDX ही विल गेट। अब इसको अगर सेल करते हैं 130 रुपये पे, हम लेके चलते हैं CSI खेलेंगे, वैसे तो 134 आ रहा था, तो यानी 1500 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ हम उम्मीद लगा सकते हैं DYDX से। काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कुछ कॉमेंट हो तो कॉमेंट करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, till then, bye bye.